सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का घमंड हुआ चकनाचूर। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके नजदीक ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तभी रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे स्वामी, त्रेता युग में आपने श्री राम के रूप में अवतार लिया था, सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या सीता मुझसे भी अधिक सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ जी बोल पड़े कि हे प्रभु, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अंधकार जाग गया और वे भी बोल पड़े कि हे भगवान, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? मैंने बड़े बड़े असुरों का क्षण भर में वध किया है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही अंधकार हो गया है। अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अंधकार दूर हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने नया फैसला किया और गरुड़ से बोले कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाकर हनुमान से कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चले। भगवान श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा से कहा कि देवी, तुम अपना श्रृंगार करके तैयार हो जाओ, और भगवान श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो, और जब तक मैं स्वयं किसी को अंदर न बुलाऊं, तब तक किसी को महल में प्रवेश न करने देना। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर पहरा देने लगे। उधर गरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार उन्होंने कहा कि हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, आपको प्रभु श्री राम माता सीता के साथ द्वारिका नगरी में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप शीघ्र मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही द्वारिका नगरी ले चलूंगा। हनुमान जी ने गरुड़ से कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन में विचार किया कि हनुमान जी वृद्ध हो गए हैं, ये कैसे जल्दी पहुंचेंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारिका नगरी के लिए उड़ चले, लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए, गरुड़ जी के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल पहुंच गए। ये देखकर गरुड़ का सिर लज्जा के मारे झुक गया। हनुमान जी को देखकर श्री राम ने उनसे पूछा कि हे हनुमान, तुम बिना आज्ञा के महल के अंदर कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और प्रभु के सामने हाजिर कर दिया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। इस बात पर प्रभु मन ही मन मुस्कुराने लगे और हनुमान जी ने कहा, प्रभु आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इतना सुनकर रानी सत्यभामा का अहंकार चकनाचूर हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक बार में ही तीनों का अंधकार समाप्त कर दिया और तीनों भगवान श्री कृष्ण के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए और तीनों ने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और उन्हें बात समझ में आ गई। भगवान श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया, हृदय से हृदय की बात हुई और उन्हें विदा कर दिया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।